जी का पहला सवाल है इनका HCC पर, दो स्टॉक है इनके पास, तो HCC पर पहले सवाल ले लेते हैं। 800 शेयर्स इन्होंने 22 रुपए के भाव पर यहाँ पर एंट्री ली हुई थी और इस पर देखे तो हल्का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। कुणाल, आप ही सजेस्ट करिए क्या करे, ट्रेडिंग का नजरिया ना लग रहा है इनका, नुकसान हल्का है अभी लेकिन बने रहना चाहिए स्टॉक में। इस काउंटर में अगर आप देखिए तो मार्च 2018 से लेके अब तक ये काउंटर एक कंसोलिडेशन विद राउंडिंग फॉर्मेशन में है। ये राउंडिंग फॉर्मेशन में टिपिकल एक ब्रेकआउट आता है और काउंटर बहुत ही सिग्निफिकेंटली नीचे आता है, हमें लगता है कि इसका ट्रेंड बिगड़ चुका है। ये हमने देखा था करीब करीब अप्रैल महीने में जब काउंटर पहुंचा था 19 रुपए पे, उसके बाद फिर से 12 रुपए तक गया था और अब रिसेंटली इस काउंटर ने 22 साढ़े 22 की टॉप बनाई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस काउंटर में मैं ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा, बट हमारे व्यूअर के पास ऑलरेडी पोजिशन है तो इसमें बने रहने की सलाह बनेगी। और इसमें जब भी स्पाइक आता है तब एग्जिट करिए, करेक्शन में बाय करने की आदत रखिए। हमारे रिटेलर्स बहुत सारी बार इसमें फंस जाते हैं जब इसमें मोमेंटम शुरू होती है। इस काउंटर में जब कूल ऑफ आता है तब इसमें बाइंग करने की सलाह बनेगी। तो एज ऑफ नाउ बने रहिए, 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आई थिंक ये काउंटर हमें अगले कई महीनों में, शायद 1 या 1.5 महीने में, एक बार 22.5-23 तक के लेवल्स फिर से दिखाएगा। 25 पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह बनेगी।